मुंबई के किडनी रैकेट के सामने आने पर ट्रांसप्लांट के मामलों में और कड़ाई की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन कई मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कानून बेहद कड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार इस मुश्किल को दूर करने के लिए ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने जा रही है। यह है 61 साल के ईश्वर गांधी। मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में डायरेक्टर रहे ईश्वर गांधी 3 साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन पैसे और किडनी डोनर दोनों मौजूद होने के बावजूद वो कानूनी अड़चनों के कारण ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है, मेरे को ट्रांसप्लांट भी करना है और मैं बहुत सफर कर रहा हूँ डायलिसिस के अंदर। कभी कभी मैं टेबल के अंदर कोलैप्स भी हो जाता हूँ। मेरे को कुछ 1 साल से मैं वेटिंग में हूँ, लेकिन वेटिंग का कोई चांस लगने वाला नहीं है। उसको 8 साल भी लगे, 10 साल भी लगे। ईश्वर गांधी के दूर के रिश्तेदार किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन 1994 के ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के मुताबिक सिर्फ माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन या पति पत्नी एक दूसरे को अंगदान कर सकते हैं। मेरी वाइफ का कंडीशन जरा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को किडनी दे नहीं सक रही है। मेरे रिलेशंस है जो मेरे को किडनी देना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसा लॉ है कि मेरे इधर की किडनी वो लोग दे नहीं सकते क्योंकि और मेरे ब्लड रिलेशन नहीं है। अगर परिवार में कोई किडनी दान करने वाला ना मिले तो मरीज को जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी में नाम दर्ज कराना होता है, वो भी सिर्फ एक ही अस्पताल के जरिए। दूसरे राज्यों में जाकर किडनी ट्रांसप्लांट की इजाजत भी अब बंद कर दी गई है। ऐसे में मरीजों के पास इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इन हालात में अब ईश्वर गांधी विदेश में ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं। मैं बेसिकली मैं प्लान कर रहा हूं अब्रॉड, सिंगापुर में मेरा बातचीत हुआ, वो बोला कि कोई रिलेशंस आपका डिस्टेंस रिलेशन भी हुआ वो भी चलेगा। ईश्वर गांधी की तरह सभी मरीज विदेश में ट्रांसप्लांट कराने की हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसे मरीजों को कई बार डोनर के इंतजार में जान गंवानी पड़ती है। हालात में सुधार के लिए किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है। कि अगर एक नेशनल डायरेक्टरी बन जाए, सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, खासकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, उसमें हमें नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। उसका इवोल्यूशन हो जाएगा अगर हम बैठेंगे कि कोई भी आदमी अपने नियर बाय किसी भी अच्छे अस्पताल में रजिस्टर कर सकता है और जहां भी किडनी अवेलेबल होगी नियर बाय, वो किडनी उसको अवेलेबल होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खुलासे के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट की व्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में संशोधन राज्य सरकार के दायरे से बाहर है। कानून में रियायत देने पर उसका गलत इस्तेमाल बढ़ने का खतरा भी रहता है। ये सब अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और आधार कार्ड से उसका लिंक कर रहे हैं। आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इसके बाद में भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और गवर्नमेंट के डाटाबेस से इसको लिंक किया जाएगा। डोनर जो रहता था उसके बारे में एक बार डोनेशन होने के बाद विशेष जानकारी उसके बारे में उपलब्ध नहीं थी, इसकी भी जानकारी रिकॉर्ड में रखी जाएगी। एक तरफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े कड़े कानून हैं, तो दूसरी तरफ उनमें ढील देने पर किडनी का काला कारोबार बढ़ने का खतरा। इन दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं वो मरीज जो ईश्वर गांधी की तरह ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाने का खर्चा नहीं उठा सकते। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट।